मुझे लगता है मेरी लाइफ सिर्फ यही नहीं है, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उतना इन्जॉय करता हूँ जितना मैं अपना काम इन्जॉय करता हूँ, बट 100% वर्क मेरी लाइफ में नहीं है, यू नो इट्स कंपार्टमेंट्स इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे, और बीच में ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट आती हैं बीच में, एक्साइट नहीं करती, कभी कभी आप काम करते हो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, लॉट ऑफ रीजन मतलब, यू नो सो, बट देन मैं सिर्फ करने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ, बट सिर्फ करने के लिए कुछ भी कर लो तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं जब नहीं कुछ करता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस समय गायब हो जाऊँगा, नज़रों से गायब हो जाऊँगा तो क्या होगा, इट डजेंट रियली बॉदर मी। आई जब मैं नहीं दिखता हूँ आप तो सोच लिया करेंगे कहीं ना कहीं गोवा में घूम रहा होगा, लद्दाख में घूम रहा होगा या कहीं अब्रॉड घूम रहा होगा। नहीं नहीं मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं अपने तरीके से चलता हूँ, वो ऑफ कोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं और उन जहाँ तक पहुँच गए हैं वो, आई थिंक वो उतना ही अफोर्ड भी कर पाते होंगे। ओके लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप दोनों पर, कोई क्वेश्चन को पूछ नहीं रहा है एनीवन, और किसी के पास कोई सब्जेक्ट कोई बात? अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सब पूछ लेंगे यहाँ पे, सब फैमिली वाले ही हैं और क्या, सब मीडिया वाले हैं सब यहाँ पे। ओके राजू एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो एग्जैक्टली अगर तीन रीज़न बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक? नहीं सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे आप इस तरह की, मैं भी इस बात को काफ़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी, दैट वॉज वन रीज़न जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था। दूसरी चीज़ आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है, मुजाहिद हमारे जो डीओपी हैं यहीं बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। एंड थर्ड थिंग आई थिंक परफॉर्मेंसेज, सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड सो देर आर फोर कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम के घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड वंडरफुल, यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक यू नो ब्रिटिश लड़की हैं और हम लोग इंडिया से हैं, बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर, आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये यू नो बाहर की एक्ट्रेस आई हुई, इट्स जस्ट वेरी सीमलेसली फॉल्स इन प्लेस एंड सो आई थिंक ओवरऑल द पैकेज विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, आपने अभी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफी गाने हैं फिल्म के अंदर। यार जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग, टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया, एक बार उनके लिए ताली है। टोनी प्लीज खड़े हो यार, आई थिंक दैट सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल, टोनी आई एम श्योर द सॉन्ग इज गोइंग टू डू वंडरफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थ्री थिंग्स दैट पीपल विल टेक होम, वन आई थिंक दे विल गो वेरी हैवी ऑन इमोशंस, क्योंकि ये फिल्म में एक काफी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम श्योर at after the last after the climax people will take back some kind of an emotion with them for sure. Dusra performances like Rajiv said, everyone's done brilliantly and good music, the music is very 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 good, we have a song by Arijit right and yeah Sharmali, so great soundtrack as well. Yeah actually I think best of luck, zordar taali honi chahiye star cast ke liye, thank you, bahut bahut shukriya। एंड मैं चाहूँगा जितने फोटोग्राफर हैं, ओहो क्या बात है, अरबाज भाई सोहेल भाई एक मिनट प्लीज स्टेज में आते हैं, जावेद सर जावेद भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैन वी ऑल्सो हैव द प्रोड्यूसर्स हियर, या कैन वी हैव मंजू जी, By the way, the producers have been like really backbone. एक शॉट, ये फोटो जाती है उसके बाद। अच्छा, एक दो सेकंड, दो सेकंड बाद, दो सेकंड बाद।